हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पादरी यलम शंकर की पिछले गुरुवार को अगमपल्ली गांव में 5 लोगों ने हत्या कर दी थी जो रात में उनके घर में घुस गए थे। इंटरनेशनल क्रिश्चियन कर्सनल ICC एक और सरकारी संगठन जिसकी चिंता दुनिया भर में ईसाइयों और धार्मिक अल्पसंख्यकों की मानवाधिकारों की है। उन्होंने बताया कि उन्हें चाकू मारकर बाहर घसीटा गया था। स्थानीय ईसाइयों के अनुसार पादरी को हिंदुत्व के गुंडों द्वारा उनके धर्म का प्रचार करने के खिलाफ चेतावनी दी गई थी और उनके जीवन की धमकी दी गई थी। अगमपल्लीट में बस्तर फॉर क्राइस्ट मूवमेंट BMC चर्च के एक वरिष्ठ पादरी शंकर हिंदू राष्ट्रवादियों से ईसाइयों की रक्षा के लिए जाने जाते थे। उनके परिवार में पत्नी के 2 बेटे और पोतियां हैं। वह गांव के पूर्व सरपंच और बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे। इस क्षेत्र के ईसाइयों की कट्टरपंथी हिंदू राष्ट्रवादियों के तीव्र विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कई बार पादरी शंकर ने कट्टरपंथी हिंदू राष्ट्रवादियों से ईसाइयों का बचाव किया और यही हत्या के इस चरम रूप के उत्पीड़न का कारण हो सकता है। एक स्थानीय ईसाई ने ICC को बताया। आप सभी को जय मसीह की।